हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इके टेक्नोलॉजीज। आज मैं आपको सॉलिड वर्क्स के स्केचिंग में आज हैंगर डिज़ाइन करके बताऊंगी कि आप ये कैसे डिज़ाइन करोगे। तो ये आपका डिज़ाइन मैं इसमें आज करके बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको, इससे पहले ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको बताया था कि आप प्लेन्स वगैरह कैसे लोगे। तो प्लेन वगैरह जब आप लेते हो तो आप मैक्सिमम चीज़ें ट्राई करना कि आप सेंटर में आप बना, बिकॉज सेंटर से आपको एज ए रेफरेंस लेने में बहुत ईजी होता है। एंड सेकेंड थिंग, यूनिट पहले ही आप सेट कर लो जो यूनिट आपको चाहिए। ओके, देन अब जब मुझे स्टार्ट करना है तो जैसा दिया हुआ है यहाँ से आपको सर्कल है 24, तो सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करती हूँ सेंटर से। तो यहाँ पे मैंने ये 24 का दिया। सेकेंड, ये जो सर्कल है ये आप ध्यान देना कि आपका ये कंसेंट्रिक नहीं है। कंसेंट्रिक मीन्स कि यहाँ से आपका इसका डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस अलग है। एंड जब भी आप पहले कोई भी ड्राइंग अगर स्टार्ट करते हो तो पहले आप 2D को एक बार देख लो, दिमाग में बिठा लो कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। देन आप यहाँ से क्या करोगे कि आपको दिया हुआ है कि 6 इधर आकर एंड देन आपका ये सर्कल है, तो उस केस में आप सर्कल लो और यहाँ से आप डाया यहाँ दे दो, तो आपका डाया ये 60 है। ओके, नाउ ये जो डिस्टेंस है इस सर्कल के लिए ये हमारा अलाइंड है, तो ये डिस्टेंस मुझे तभी पता लगेगा जब मैं ना ये बनेगा। तो उस केस के लिए अभी मैं ये लेंथ तो आपका बनाती हूँ, बट ये मैं एज्यूम करती हूँ 20 या कुछ भी। आफ्टर डेट जब ये बन जाएगा रिलेशंस के थ्रू हम ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ से, मैंने लेंथ लिया 20.5, देन इस साइड में अप्रॉक्स 20 गई, वो बाद में हम चेंज कर सकते हैं। देन मैंने सर्कल बनाया, रेडियस आपका 2 है तो डाया आपका ये 4 हो जाएगा। आफ्टर डैट हमने स्मार्ट डायमेंशंस के थ्रू इन सब की रेडियस हम मैंने फिक्स कर दी है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें रिलेशंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कैसे ऑटोमेटिक रिलेशन आपको ऑन करना होता है, अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो ये आप पिछली वीडियो में मेरे देख सकते हो, स्केच ट्यूटोरियल 1 में मैंने ये चीज़ें आपको बताई है, फुली डिफाइंड का क्या यूज़ है एंड अगर अनडिफाइंड होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें उसमें आप देख सकते हो। जो एक्स्ट्रा मुझे है वो चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। एंड देन अगर मुझे इन दोनों सर्कल को मूव नहीं करना है, डेट्स वाई मैंने इन दोनों का सेंटर पॉइंट फिक्स कर दिया। दैट मीन्स ये फुल्ली डिफाइंड, ब्लैक कलर मतलब फुल्ली डिफाइंड आपका स्केच हो गया। नाउ यहाँ से मैंने सेम आर्क लिया, बिकॉज आपको ये दिया हुआ रेडियस 36 का, तो मैंने यहाँ से आर्क लिया। मैंने एक फ्री हैंड से आर्क बनाया जिसका रेडियस मैंने 36 दिया। नाउ अब मुझे इसे टेंजेंट करना है, तो टेंजेंट करने के लिए आप दोनों को सेलेक्ट करो एंड देन आपके पास ऑप्शन आता है टेंजेंट। सेम आप दोनों को सेलेक्ट करो, एंड टेंजेंट एक्स्ट्रा जितना है आप यहां से ट्रिम कर सकते हो, सेम ट्रिम। तो ये ऑलवेज टेंजेंट रहेगा, ये जो रिलेशन होते हैं, दैट मीन्स कि ये अपनी टेंजेंसी नहीं छोड़ेगा। देन सेम मैंने आर्क लिया, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड रेडियस जो है आपको दी हुई है 30। सेम आप इसमें भी सेलेक्ट करो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड गो टू टेंजेंट, सेम दोनों में आपका ये टेंजेंट आएगा। इसको आप एक्सटेंड कर दो। ओके, नाउ आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर, इसकी भी आपको नीड नहीं है, ये चीजें हम बाद में अभी ट्रिम करेंगे। ओके, अब ऊपर की तरफ देखते हैं, तो यहां से मुझे दिया हुआ 48, ये आपको सेंटर जो है ये आपको यही सेंटर कंटिन्यू करना है। तो यहां से भी मैंने दिया सेंटर से आप ऊपर गए 48। आफ्टर डैट ये आप लाइन लेंथ बनाते जाओ, बाद में आप वो चीज़ें ऑफसेट कर सकते हो। देन 37 पॉइंट आपका जो ऊपर ही कोई गया है 22.5। ओके, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगल है, तो उस केस में आप 37.5 का एक लाइन नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो जो बाद में आप ऑफसेट कर दोगे। तो 37.5 का मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर दिया, एक्चुअली ये 3.75 है। मैंने इसे डिलीट किया
एंड देन मैंने इसको 3.75 का मैंने ए। ओके ना ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट में आपको पता है कि हम बाई डायरेक्शनल ले सकते हैं, और सेकंड यहाँ पे जो बाई डायरेक्शनल का आपको जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है डाया 15, तो आप हाफ जो होगा वो आपका होगा 7.5। एंड यहाँ से आप कैप एंड ऑन कर सकते हो, तो यहाँ से आप लाइन दे दोगे तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम आप इस केस में भी आप ऑफसेट लो, आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 6 बिकॉज डाया 12 दिया हुआ है, और आप ऑटोमेटिकली आपका ये ज्वाइन हो गया। आप इस चीज़ को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में चेंज कर सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सेम आप इस चीज़ को भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में चेंज कर सकते हो, एंड इस लाइन को भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ओके ये आपका हो गया। नाउ अगर आपको ये डायमेंशंस नहीं दिखाना तो आप एक ये चीज़ें डिलीट कर सकते हो। हम स्मार्ट डायमेंशंस के थ्रू डाया हम शो कर सकते हैं। क्लियर। नाउ अब सेम इसी लाइंस के थ्रू आप यहाँ पे भी आपका डाया 12 है तो आप लाइंस को ऑफसेट कर दो। लाइक इस लाइन को भी आप डाया 12 के अकॉर्डिंग ऑफसेट कर दो। अभी आप कैप एंड ऑफ कर सकते हो। नाउ आर्क लेंगे हम। आर्क में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड जो रेडियस आपको दी हुई है वो है 15.6। सेम आपका ये ऑफसेट है तो इसमें मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसे हम वर्टिकल ऑफ फिक्स कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा ऑफसेट है तो ये मेरा ट्रिम नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली फुल्ली डिफाइंड हो गया। देन ओके नाउ दोनों को मैंने इससे पहले आप इसकी डायमेंशन दे दो। लाइक इसकी रेडियस 15.6 ही रहनी चाहिए। एंड देन सेलेक्ट बोथ एंड टेंजेंट। ओके सेम सेलेक्ट बोथ एंड कीप इट टेंजेंट। नाउ ट्रिम एक्स्ट्रा एलिमेंट। एंड यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हो, और ये अगर आप पहले एक्सटेंड कर दो आफ्टर डेटा ट्रिम करना। ये एक्सटेंड हुआ एंड देन हम एक्स्ट्रा जो भी है वो हम ट्रिम करेंगे। ओके क्लियर। इस चीज की भी मुझे जरूरत नहीं है, हम ये भी ट्रिम। नाउ अब सेम यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। आर्क लेना है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड रेडियस आपको दी हुई है 48। ये ऑलरेडी फुल्ली डिफाइंड है तो जब आप दोनों को सेलेक्ट करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सेम दोनों को सेलेक्ट किया, टेंजेंट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है एंड एक्स्ट्रा यहाँ से। ओके ये आपका क्लियर हो गया। नाउ अब इसमें मुझे चाहिए कि यहाँ से ये 18 चाहिए, तो ये अप्रॉक्सिमेट में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन हम लेंगे। इसकी भी पहले आप स्मार्ट डायमेंशनिंग कर दो कि आपका ये रेडियस इसका मूव ना करे एंड टेंजेंट ऑटोमेटिकली है। देन मैंने ए पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, तो इनके बीच में ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है ये सेंटर टू सेंटर आ रहा है, बट मुझे इसके बीच के बीच में चाहिए। तो उस केस में आप पॉइंट टू पॉइंट ले लो। आप यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में लो, आप इस सर्कल को जब सेलेक्ट कर रहे हो इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को लो आप और इसके सेंटर पॉइंट को, आप दोनों का पॉइंट ले लिया आपने, और यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया 18 जो आपको दिया हुआ है। ओके अगर आपको ये और चेंज करना है वो तो आपके ऊपर है, आप जितना यहाँ पे डिस्टेंस देना चाहते हो। ये मैंने मिड टू मिड लिया है। अगर आप यहाँ से ये चेंज करते हो, लाइक ये मिड ना लेकर आप थोड़ा और नीचे करते हो, तो ये चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली इसमें पोजिशन नहीं दिया है कि मुझे कितना देना है, डेट्स वाई यहाँ पे आप लीनियर डायमेंशन दो ड्राफ्टिंग में, वो ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर कि आप इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने अभी इसे 20 कर दिया एंड देन हम इसमें लीनियर डायमेंशन दे देंगे। ओके ताकि नेक्स्ट में अगर किसी को प्रॉप बनाए इसी ड्राइंग के थ्रू तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे आपके पास चैम्पर का ऑप्शन आता है, डायरेक्टली आप यहाँ से चैम्पर कर सकते हो, फिलेट एंड चैम्पर। चैम्पर में जब आप जाओगे आपको दिया हुआ 15 × 45 डिग्री, तो आप इस केस में क्या करोगे, सॉरी 1
0.5 है आपका, तो यहाँ से एंगल डिस्टेंस लो और यहाँ से आप टाइप कर दो 1.5, 45 ऑलरेडी रहेगा। 45 में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका नीचे भी 1.5 और ऊपर भी 1.5 रहता है, एंड देन आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो। ओके, सेम यहाँ भी आपको फिलेट करना है, तो फिलेट तो आपको इजीली कर सकते हो। यहाँ से पहले बीच की जो ये लाइंस है इनको ट्रिम कर दो जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, एंड देन आप फिलेट यूज कर सकते हो। फिलेट में आप फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, आप पहले यहाँ रेडियस प्रोवाइड कर दो, रेडियस आपका है 1.5 का। यहाँ पे जब आप रेडियस लोगे तो रेडियस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा एग्जैक्ट कॉर्नर होगा, तो ये आप थोड़ा सा कम लेना, लाइक 1.49 आप ले लेना, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट कॉर्नर से मैच कर जाएगा। सेम आपने 1.49 का आप यहाँ भी ले सकते हो, तो आपका ये लाइन ट्रिम हो गया है, तो आप उस लाइन को ट्रिम बिना किए भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ओके, देन आता है सेम आपका सेम रेडियस आपका नीचे भी है, तो फिलेट लिया मैंने फर्स्ट सेकेंड, बिकॉज उस लाइन टू अगर आपको मिरर करना है तो सेम चीज आप यहाँ से मिरर कर सकते हो। मिरर अबाउट में आप ये लाइन ले लो एंड ओके, देन इस लाइन को अगर आपको मीट करना है तो आप इस लाइन को मीट कर सकते हो। अब ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा आपका आ गया है, तो उस रिलेशंस को आपको ट्रिम करने के लिए, लाइक आपको हटाने के लिए कि आप क्लियरली देख सको आपके जो भी ड्राइंग्स है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले इन सबको आपने ट्रिम कर दिया, देन हम डायमेंशन शो करेंगे, ये मेरा कंप्लीट है। अब इस केस में आपको डिस्प्ले डिलीट रिलेशन है, आप यहाँ से ये सेलेक्ट करो सबको एंड देन डिलीट ऑल, तो उस केस में आपका ये डिलीट हो जाएगा। और अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डायमेंशंस वगैरह शो कर सकते हो, लाइक स्मार्ट डायमेंशन लिया मैंने, मैंने यहाँ से इसका रेडियस है तो मैंने ये 30, मैं पहले सबकी डायमेंशन दे देती हूँ, आप स्मार्ट डायमेंशन के ही थ्रू लेना। ये देखो आप, ये आप डायमेंशनिंग हो गई जिस तरीके से। स्मार्ट डायमेंशनिंग कैसे करनी है वो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, या फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूँगी ट्यूटोरियल बनाने का। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अलग सा स्केच, जो आपको डेली यूज में यूज होती हुई चीजें को, मैं उसके ऊपर आपके वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको गिटार ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग करके बताऊंगी, गिटार शेप में वो कैसे आप ड्रॉ करोगे, उसमें कंस्टेंट्स का बहुत ज्यादा यूज है, तो उसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। तो अपडेट रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं फिर, थैंक यू।